लॉकअप स्टार और सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा इन दिनों अपने लीक एमएमएस को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर लोग अंजलि को इस वीडियो के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, एक इंटरव्यू में अंजलि ने इस वीडियो को फेक बताया था। वो इस बारे में बात करते करते इमोशनल हो गई थी और उन्होंने ये भी बताया कि फैमिली को इस इंसिडेंट के कारण काफी कुछ सफर करना पड़ा। कुछ सेकंड के वीडियो बनाकर वायरल होने वाली इस एक्ट्रेस ने दुनिया को आकाश सनसनवाला से मिलवाया था। आपको अगर ना पता हो, हम आपको बता दें कि आकाश अंजलि के बॉयफ्रेंड हैं और ये वही हैं जिन्होंने अंजलि का र्यूमर्ड एमएमएस वायरल होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सच्चे पार्टनर होने का प्रूफ दिया और अब वो दूसरी लड़कियों के लिए मोस्ट वांटेड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। और इसी के साथ अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाला ने भी इस लीक एमएमएस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने साइबर सेल में आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर दी। अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाला का अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा सपोर्ट है और उन्हें इस मामले के बारे में पूरी जानकारी भी है। और कुछ दिन पहले अंजलि अरोड़ा से आरजे सिद्धार्थ कनन ने क्वेश्चन किया था कि क्या उनके नाम से जो र्यूमर्ड एमएमएस लीक हुआ है उसके बारे में आकाश सनसनवाला को पता है, उनका क्या रिएक्शन था। और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अंजलि इमोशनल हो गई और उन्होंने कहा कि इसके बारे में सबको पता है कि फालतू की चीज है, क्या चल रही है और क्या नहीं, लेकिन मेरे जो अपने हैं वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अंजलि ने आगे बताया था कि आकाश ने, मम्मी पापा ने, भाई ने, सभी ने साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कर दी है। आपको बता दें, आकाश सनसनवाला और अंजलि अरोड़ा कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे दोनों ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन वो कई बार साथ में स्पॉट किए जाते हैं। हाल में ये दोनों मालदीव भी गए थे। इसके पहले अंजलि को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अंजलि भले आकाश को डेट कर रही हैं, लेकिन उनका नाम कॉमेडियन मुनव्वर के साथ भी जुड़ चुका है। एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप में अंजलि अरोड़ा को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी से प्यार हो गया था और ये बात उन्होंने खुद सबके सामने कबूल की थी। वही मुनव्वर अंजलि को सिर्फ अच्छा दोस्त मानते थे।